व्हाट इज अप गेमर्स। यार आज की वीडियो हम टेस्ट करने वाले भाई मोस्ट अवेटेड वीडियो यार, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो द ट्रिलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन ऑन योर ट्रस्टी GTX 1050 Ti। और भाई आज वीडियो में भाई तीनों ही गेम टेस्ट करने वाला हूँ, यानी कि भाई अपना GTA 3 का डेफिनेटिव एडिशन, Vice City एंड San Andreas जो अभी यार कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज हुए हैं। और देखेंगे कि भाई आप ये यार नए गेम्स ऑब्वियसली ये ओरिजिनल गेम्स से भाई बस रिमास्टर किए गए हैं। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस गेम के बारे में, इस वीडियो में तो नहीं बात करेंगे। इस गेम में भाई इस वीडियो में सिर्फ हम लोग यार बेंचमार्किंग फोकस करेंगे कि भाई अपना 1050 Ti इन तीन नए रिमास्टर को हैंडल कर पाता है या नहीं, भाई कौन कौन सी सेटिंग्स पे हम लोग को कितने FPS देखने को मिल जाएंगे इस गेम में। सो भाई मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली अपना NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti विद लेटेस्ट NVIDIA ड्राइवर्स, भाई लेटेस्ट वर्जन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो विद द Ryzen 5 1600 एंड 16 GB ऑफ रैम इन डुअल चैनल। सो लेट्स बेंचमार्क द वीडियो। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करने वाले भाई ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3। सो गाइस एज यू ऑल कैन सी यार भाई इसमें इस गेम इन तीनों ही गेम्स में डेफिनेटिव एडिशन में भाई कोई इस गेम का ग्राफिक्स प्रीसेट नहीं है, आप लोगों को कस्टम ग्राफिक्स प्रीसेट ही आपको अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर GPU पावर। तो भाई मैंने अपने GPU के हिसाब से भाई ग्राफिक्स सेटिंग्स देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की हुई, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख ही सकते हो भाई 1080p रेजोल्यूशन पे ऑब्वियसली हम लोग बेंचमार्क करने वाले हैं। ग्राफिक्स ओवर क्वालिटी होने वाली भाई हाई पे, और सारी भाई चीज़ें देख सकते हो NTAlacing TA प्लस जितने भाई मैं तीनों गेम टेस्ट करने वाला हूँ उनकी ऑलमोस्ट भाई सेम ग्राफिक सेटिंग्स ही होने वाली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई इस गेम में कैच है भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव है, जो कि भाई ये सब लास्ट नाम जैसे कि देख सकते हो स्ट्रीट लाइट क्वालिटी व्हीकल लाइट क्वालिटी, भाई इनको अगर आप एक एंट्री लेवल GPU यूज़ कर रहे हो तो भाई इन दोनों को लो पे ही रखना, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा लो या अल्ट्रा के बीच में, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा आपको गेन देखने को मिल जाएगा। इन दोनों सेटिंग्स की वजह से भाई FPS काफ़ी ड्रॉप होते हैं, जैसे कि भाई काफ़ी ज़्यादा अगर लाइटिंग होती है सिटी में ग्लो होता है और कई सारे रेन इफेक्ट होते हैं तब भाई व्हीकल लाइट्स होती है तो भाई उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है, तो इससे फ्रेम रेट भाई ड्रॉप काफ़ी आपको देखने को मिलता है। अगर आप इन दोनों को लो पे रखते हो तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और जैसे कि आप यहाँ पे पूरी सेटिंग्स देख सकते हो। सो लेट्स बेंचमार्क द गेम। सो भाई जैसे कि देख सकते हैं अभी तो हम लोग यहीं पे ही घूम रहे हैं, देखते हैं हम लोग को आगे कितने FPS देखने को मिल जाते हैं। वाह 69 FPS एवरेज, दैट्स रियली नाइस। एज यू ऑल कैन सी हियर इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर 69 FPS एवरेज हम लोग देखने को मिल रहे हैं। What a start! That's really nice, यार। बड़ा हरामी हो बेटा। Lord is running now. हाँ भाई इस इंजन में लाइक जो Unreal Engine 4 भाई तीनों गेम रिमास्टर किए गए तो भाई इसमें स्टटरिंग प्रॉब्लम तो यार बहुत ही बुरी है, लेकिन इतना कोई आपका बेकार एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। और यार काफी अच्छे गेम है ये। Let's shoot some people. ओके फ्रेम रेट तो काफ़ी कंसिस्टेंट है, बस थोड़ा बहुत यार इनकंसिस्टेंसी है जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रेम टाइम स्पाइक्स यार, जैसे कि आपको जा रहे हैं क्योंकि यार स्टटरिंग थोड़ी बहुत होती है, बहुत ही माइनर स्टटरिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। भाई ऑन एन एवरेज अराउंड 70 FPS हम लोग को देखने को मिलने, जो कि यार बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस गेम के हिसाब से। और भाई ग्राफिक्स काफ़ी डिसेंट आ रहे हैं इन ग्राफिक्स सेटिंग्स पे। और चलो भाई यहाँ पे एक व्हीकल लेते हैं और देखते हैं भाई ड्राइव करते वक्त हम लोग कैसे फ्रेम रेट देखने को मिल जाते हैं इन हाई 50s। नॉट बैड, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द Unreal Engine 4 प्रॉब्लम तो स्टटरिंग बहुत ही माइनर सी देखने को मिलती है हम लोग को इस गेम में कभी कभार, जो कि यार अब क्या करें, कॉमन है भाई इस इंजन में तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी इस गेम में काफ़ी सारे इश्यूज और बग्स पाए गए हैं, अब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पहले से तो फिक्स कर दिए गए, अगर अभी लेटेस्ट जो पैच आया है उससे काफ़ी फिक्स हो चुका है। और भाई अपने GPU यूटिलाइजेशन टेम्परेचर आप भाई टॉप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो 99% यूसेज है भाई अपने GPU की, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स का भाई मिक्स है, कुछ चीज़ें मीडियम पे हैं और जैसे मैंने आपको बताया दो जो लास्ट की सेटिंग्स होती है वो लो पे हैं जस्ट टू कीप द फ्रेम कंसिस्टेंट। और काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रही है इसके अराउंड।
और भाई मेरे ख्याल से जो ग्राफिकल इम्प्रूवमेंट हुए हैं वो काफ़ी डिसेंट है मेरे ख्याल से. लाइक सो मेनी पीपल आर क्रिटिसाइजिंग दिस गेम जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई तीनों गेम रीमेक आएंगे, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसीलिए वो थोड़े बहुत शायद नाराज़ भी हैं. लेकिन मेरे हिसाब से भाई काफ़ी अच्छे गेम हैं ये और अपने टाइम के यार सबसे पॉपुलर गेम्स रहे हैं. और अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मैं इनका वो सबसे अच्छी है ना, और बहुत ही ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज भी नहीं, लेकिन फिर भी एक एंट्री लेवल GPU पे काफ़ी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है. अगर आप ये भाई तीनों गेम खेलते हो तो काफ़ी आपको ओरिजिनल वाला ही फील आने वाला है, जस्ट विद लिटिल बिट इम्प्रूव ग्राफिक्स. मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूव ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक स्पेशली द लाइटिंग टेक्सचर जो आजकल के भाई हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स इसमें यूज़ किए गए हैं, और सब तो वैसे का वैसा ही है भाई. गेम तो भाई सारे अपने ओरिजिनल ही हैं. और यहाँ पे थोड़े बहुत ड्रॉप हुए, लाइक हाई 40s में गए थे, लेकिन इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ऑन एन एवरेज आपका 60 FPS अबव का एक्सपीरियंस रहने वाला है. लेट्स डिस्ट्रॉय समथिंग, हम देखते हैं कि FPS ड्रॉप होते हैं यानी. हाँ भाई थोड़े बहुत ड्रॉप हुए, 40s में गए अपने FPS. यस दे आर ड्रॉपिंग हाई 30s. ठीक है, अगर आप लोग एकदम ही 60 FPS के ऊपर चाहते हो, वैसे मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं होगी ये ग्राफिक सेटिंग्स, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज दीज ग्राफिक सेटिंग्स आर द बेस्ट सेटिंग्स फॉर ऑल थ्री गेम्स. तो अगर आप भाई 1080i यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप इन सेटिंग्स को भी अपने लिए चूज़ कर सकते हो पर्सनली. हाँ, लाइक इन हाई 40s ड्रॉप हो जाते हैं काफ़ी FPS एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन्स, और क्योंकि काफ़ी सारी बर्स्ट होती हैं चीज़ें, लाइटिंग काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, तो इसीलिए हाई 30s में काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं. वैसे थर्ड पर्सन गेम है तो ऐसी कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली. फर्स्ट पर्सन की बात होती तो आई वुड कंसिडर कि हाँ 60 FPS इज रिकमेंडेड, लेकिन हाँ थर्ड पर्सन गेम में वो भी ऐसे GTA जैसे गेम में अगर आप भाई 40s 30s में ड्रॉप भी होने तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली. तो भाई काफ़ी अच्छा बेंचमार्क हो गया, अराउंड 60 FPS ऑन एन एवरेज हम लोग को देखने को मिल गया. और भाई यहाँ पे लोग 5 स्टार लग चुके हैं. तो चलो भाई इसकी तो काफ़ी बेंचमार्किंग हो गई, हम लोग चलते हैं वाइस सिटी की और देखते हैं भाई उसमें कितने FPS देखने को हम लोग को मिल जाते हैं. सो गाइज नाउ वी हैव स्विच टू ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी डेफिनेटिव एडिशन, और भाई ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी सिमिलर है, मतलब मेरे ख्याल से पूरी सेम, जैसे आप देख सकते हो 1080p रेजोल्यूशन ऑब्वियसली यूज़ करने वाले हैं, ग्राफिक्स क्वालिटी हाई पे है, और नीचे आप सारी सेटिंग्स अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो. और ऑब्वियसली ये दोनों सेटिंग्स भाई आप लोग ध्यान रखना, अगर आप लोग एंट्री लेवल GPU यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली इन दोनों को आप लो पे सेट कर दो, आपके फ्रेम रेट काफ़ी बेटर हो जाएंगे. सो लेट्स बेंचमार्क GTA Vice City, और काफ़ी डिसेंट हम लोग को FPS देखने को मिल रहे हैं. सो गाइज एज यू कैन सी हियर अराउंड 60 FPS एवरेज हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है. हम लोग आगे भी ड्राइव भी करते हैं फिर देखते हैं भाई हम लोगों को कितने FPS देखने को मिल जाते हैं. भाई अपनी ड्राइविंग शूटिंग ऑलमोस्ट काफ़ी अपने पुराने गेम की तरह ही फील होती है इस गेम में, एंड दैट इज रियली अ गुड थिंग, क्योंकि भाई इन तीनों ही गेम्स को रिमास्टर किया गया है भाई, रीमेक नहीं किया गया. लाइक माफिया भाई कोई नहीं, अगर रीमेक होते तो और अच्छी बात होती, लेकिन भाई फिर भी अगर आप लोगों ने पुराने गेम नहीं खेले हैं, अगर आप लोग ये गेम खेलोगे नए प्लेयर हो इन गेम्स के लिए, तो यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग का रहने वाला है. भाई आपको लाइट दिखाई पड़ती है स्पेशली रात के टाइम में, तो भाई वाइस सिटी स्पेशली भाई क्योंकि इसमें भाई नियॉन रेट्रो टाइप की थीम है, आप लोग जानते ही हो, उसमें भी वाइस सिटी ओरिजिनल भी खेला है तो उसमें भी काफ़ी रेट्रो टाइप की थीम है, यू नो पिंक ग्रीन लाइट्स ऑल ओवर द सिटी. सो FPS मेरे ख्याल से जो सबसे कम मिलते हैं तीनों गेम्स में वो मेरे ख्याल से वाइस सिटी में मिलते हैं, और जबकि मेरे ख्याल से भाई एक्सपीरियंस यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है आपको. और भाई अबव 60 FPS ऑन एन एवरेज हम लोग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो भाई हम लोग को 80s में देखने को मिल रहे हैं जो कि राउंड अबव एरिया है, और काफ़ी डिसेंट एक्सपीरियंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है. 68 FPS ऑन एन एवरेज अभी तक तो हम लोग को देखने को मिला है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है. लेट्स डिस्ट्रॉय सम व्हीकल एंड सी हाउ मच FPS ड्रॉप इज देयर.
खास यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा GTA 3 की तरह, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। भाई सिटी के नीचे को तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छी बात है वाई सिटी के लिए, और काफ़ी डिसेंट एक्सपीरियंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। रियली अ नाइस एक्सपीरियंस, और अभी भी 68 FPS हमारा एवरेज भाई मेंटेन हो रहा है। द कॉप्स आर इन दिस गेम मैन, सो अनोइंग। I did your wife, you poor bastard. Oh, wasted. रिजल्ट काफ़ी डिसेंट है और भाई अराउंड 60 FPS के एवरेज ही आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप एक बहुत ही लो एंड कार्ड यूज़ करते हो तो ऐसे कोई दिक्कत होने नहीं वाली भाई आपको। सेटिंग्स आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर लो और भाई काफ़ी डिसेंट आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो भाई वाई सिटी में भी अराउंड 60 FPS हम लोग का एवरेज देखने को मिल जाता है, एंड दैट्स रियली नाइस। और भाई अपना GPU भी ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन पे, यानी कि भाई कोई भी CPU या GPU बॉटल नहीं हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा। स्पेशली अपना भाई GPU तो है ही 100% यूटिलाइजेशन पे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको यार मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और या वाई सिटी का भी भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग का रहने वाला है। Now let's switch up to San Andreas and see how much FPS we can achieve. So guys, now we have switched to Grand Theft Auto San Andreas the Definitive Edition, और जैसे कि देख सकते हो भाई ऑलमोस्ट सेम सेटिंग्स है, ग्राफिक्स क्वालिटी ऑन हाई, ओवरऑल ग्राफिक्स क्वालिटी, और भाई नीचे आप सारी सेटिंग्स देख सकते हो भाई ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स सेम है, और ऑब्वियसली दी सेटिंग्स आर ऑन लो जस्ट टू कीप द FPS कंसिस्टेंट। लेट्स सी हाउ मच FPS वी कैन गेट। ऑब्वियसली द 1080p रेजोल्यूशन पर हम लोग इस गेम को भी बेंचमार्क करने वाले हैं। Yes, CJ, I know you are excited for the benchmark. Yes, I know that. These rap fools be needing bodyguards, huh? It's on now. Nope, you can't beat me. और भाई हम लोग की शुरुआत तीनों गेम में ऐसे ही हुई थी जहाँ पे हम लोग को अराउंड 68-69 FPS एवरेज देखने को मिल रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और भाई इसमें भी वही सीन है, अराउंड इतने ही हम लोग को एवरेज FPS अभी शुरुआत में देखने को मिल रहे हैं। आगे भाई थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन करेंगे और भी चीज़ें करेंगे जिससे भाई हम लोग के देखते कितने FPS ड्रॉप होते हैं। अभी तो भाई काफ़ी कंसिस्टेंट है, रियल टाइम FPS आप लोग देख सकते हो टॉप लेफ्ट हैंड में अराउंड 80s में हम लोग अभी भी देखने को मिल रहे हैं, और ग्राफिक्स तो भाई काफ़ी बढ़िया देखने को हम लोग को मिलना है इस पर्टिकुलर सेटिंग्स पे, और काफ़ी बढ़िया हम लोग का एक्सपीरियंस होने वाला। और भाई अगर पुराने गेम से कंपेयर किया जाए तो भाई जो ये लोग भाई रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कर, जैसे कि भाई आप रैम देख सकते हो ओवर 6 GB, और भाई पुराना तो यार लाइक कुछ MB में ही भाई उसको रैम चाहिए होती थी, क्योंकि भाई डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। और भाई पूरे अच्छे खासे GPU को भाई ये पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं भाई ये तीनों ही के तीनों गेम, और अभी भी अपना GPU यार ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन पे, यानी कि हम लोग को मैक्सिमम परफॉर्मेंस अभी भी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी डिसेंट चीज़ है। अराउंड भाई 80 FPS हम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है भाई, जो अपना इन तीनों में जो बेस्ट परफॉर्मिंग गेम है अभी तक, तो भाई मेरे को अभी तक GTA San Andreas देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक तीनों में मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोगों का जो भी भाई मैंने अभी तक इंटरनेट पर पोल्स देखे, जो भी लोगों ने भाई यूट्यूबर्स ने पूछा है कि अभी जितने ज़्यादा सर्वेज में, तो भाई सबसे ज़्यादा जो भाई गेम एंटिसिपेटेड था तो वो था भाई अपना GTA San Andreas, और ऑब्वियसली भाई होना ही था क्योंकि GTA 3 के बाद ही सारे गेम इतने ज़्यादा भाई अच्छे अच्छे करके इंक्रीज़ किए गए, डेवलप किए गए, और GTA 3 के बाद ही भाई वो एक स्टैंडर्ड भाई बेंचमार्क बन गया था कि उसके बाद ये सारे गेम तो ऑब्वियसली बेटर होने ही थे। और फ्रेम रेट भी काफ़ी हम लोग कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट एक्सपीरियंस। लेट्स स्टॉप हियर एंड सम डू बैंग बैंग के। नॉट मच ड्रॉप इन टू हाई 50s, नॉट समथिंग
okay, CJ, I know you are on fire. I'm really sorry. I'm really sorry for that. Just stop shouting. कुछ ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, हाई 50s में ही ज़्यादातर नीचे ड्रॉप हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है नहीं। FPS तो भाई काफी कंसिस्टेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस नाइस इन 70s और भाई ज़्यादा तो ड्रॉप नहीं हुआ है, 1% लोज भी अराउंड अपने 40s में है, तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। डेफिनेटिव एडिशन खेलने में और 1050 Ti काफ़ी आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। सैन एंड्रियास में तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम भाई ये अबव 60 FPS को मेंटेन कर ही रहा है। भाई पूरा हम लोगों ने यार कार्नेज यहाँ पे मचा दिया है और अराउंड 80s 70s 60s में तो भाई अपने FPS रहते ही, जो कि यार बहुत ही अच्छी बात है। Let's roll and take the police bike. Okay. भाई फ्रेम रेट तो काफ़ी कंसिस्टेंट है, इसमें बुरे भी नहीं है। और भाई जानते जैसे मैंने आपको बताया जो इस इंजन की प्रॉब्लम है, जो थोड़े बहुत माइक्रो स्टटर्स आपको देखने को मिलते हैं वो तो इस इंजन की प्रॉब्लम है और जाहिर सी बात है इसमें तो आएंगे ही। इट वुड हैव बीन बेटर बट क्या कर सकते हैं। FPS वैसे भी हम लोग को ऑन एन एवरेज काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है भाई, 73 FPS का एवरेज ये ओवरऑल तीनों गेम्स का अगर हम लोग मिलाए तो सैन एंड्रियास की आई थिंक अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। दैट्स रियली नाइस। अभी भी हम लोग को भाई काफ़ी कंसिस्टेंट भाई 550s में ड्रॉप होता है, ऐसी कोई मेजर चीज़ नहीं है लाइक GTA 3 की तरह है भाई, उसमें बहुत भाई 530 में चले जाते थे FPS, यहाँ पे तो तब भी कंसिस्टेंट फ्रेम रेट मेंटेन किए हुए हैं जो कि हम लोग के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कर देता है प्रयास के लिए। और जो भाई इसमें मेरे ख्याल से ये जो फायर इफेक्ट्स हैं भाई पुराने गेम से तो भाई बहुत ही अच्छे इम्प्रूव हुआ एंड आई पर्सनली लाइक देम और काफ़ी डिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है। हे मैन वेयर आर यू गोइंग। ओके एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यार वीडियो आप लोग कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो भाई ऐसी बेंचमार्किंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, गेमिंग रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, डेफिनेटली भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर से प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आप सबसे पहले देख पाओ। सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज़।